तो गाइस अब लोग फाइनली पहुंच चुके हैं गोलपुरी सर्कस मैदान में पंडाल देखने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं पंडाल कैसा बना है, ठीक है, और क्या क्या प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हम लोग का आज के लिए मतलब षष्ठी का जो है आज का मतलब 5-6 वीडियो हो गया, ब्लॉग हो गया, भीड़ तो उतना है नहीं, देख सकते आप लोग पूरा बैक साइड से दिखा रहे हैं, उतना भीड़ नहीं है, आराम से आप लोग आएंगे। सुंदर पंडाल बना है, देखिए देखिए, आराम से विजिट कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन भी है, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मगर यहाँ पर कोई दिक्कत होगा नहीं, वैसे खाली खाली में आराम से घूम सकते हैं। पंडाल अच्छा बना है, कुछ भी बोलिए, ओवरऑल 10 out of 10 देंगे, मगर मेला उला नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा भीड़ कम है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। तो गाइस फाइनली आज का जो ब्लॉग वगैरह एंड करते हैं, ठीक है। आपको जितना भी पूजा का जो ब्लॉग है अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर सब आगे कर दीजिएगा, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते हैं, कल अगर कोई आता है तो कल आदित्यपुर वगैरह का जो होता है थोड़ा सा बैड टाइम देखेंगे, तो उसका भी आदित्यपुर का भी एक्सप्लोर कर देगा, ठीक है। तो अगर पसंद आता है गाइस, इतना मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, इतने भीड़ में इतना तेल जला के, गाड़ी का तेल जला के जो वीडियो बना रहे सब आप लोगों के लिए, तो अगर वीडियो पसंद आता तो कम से कम कुछ नहीं चाहिए मेरे को, लाइक कमेंट शेयर बस कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे पैसा हम नहीं मांग रहे, ठीक है, प्यार दीजिए बस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं कल, देखते हैं कल। गाइस मैं निकल रहा था सर्कस मैदान वाला पंडाल देख के, तो मेरे को जस्ट राइट साइड में ये पंडाल दिखा, और ये पंडाल देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये सर्कस मैदान वाला जो ब्लॉग का पंडाल रहेगा इसी में मैं अटैच कर दूंगा इस ब्लॉग का, ठीक है। तो बताइएगा ये पंडाल भी आपको कैसा लग रहा है, इसमें भीड़ नहीं है देख सकते आप लोग, ठीक है। स्टॉल वगैरह थोड़ा बहुत लगाने में परमिशन दिया है,
नंबर डाल नहीं होता, बट वो लोग भी क्या होता है कभी काल जो होता है बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर मूर्ति भी है। इंटीरियर आप देख सकते हैं, इंटीरियर भी बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा होता है ना कि हमेशा जो होता है ऐसा बोला जाता है कि जो बच्चा हमेशा क्लास में टॉप करता है वही हमेशा नहीं करता, कभी कल जो होता है फेलियर लोग भी चौंका देते हैं टॉप करके। उसी टाइप का ये पंडाल के साथ हम आपको एग्जाम्पल जोड़ना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल है कि ये पंडाल है दिखने में छोटा, ठीक है, बट एज कम्पेयर टू अदर पंडाल वो तो टक्कर देंगे ये पंडाल को, देख सकते हैं। इतना ही रखते हैं, षष्ठी हम लोग का आज खत्म होता है।